प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से दो दिवसीय गुजरात दौरा। कमलम में पीएम मोदी गुजरात के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। शाम को सरपंच सम्मेलन में भी पीएम रहेंगे मौजूद। योगी के नए मंत्रिमंडल पर आज दिल्ली में होगी अहम बैठक। बीजेपी के शीर्ष नेता और आरएसएस के पदाधिकारियों की सहमति से लगेगी मुहर। बैठक में सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी डरी, उन्होंने कहा आखिरी वक्त में चुनाव टाले गए। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन, ट्वीट कर कहा कि हमने दिखा दिया बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका होगा जब मोदी गुजरात के किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमलम तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो ये चल रहा है। मोदी के स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर 50 मंच बनाए गए हैं जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। कमलम में पीएम गुजरात के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इसके बाद शाम को सरपंच सम्मेलन में भी मौजूद रहेंगे जिसमें करीब 1.50 लाख लोग शामिल होने जा रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जीत के बाद गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और ये जोश चरम पर दिखाई भी दे रहा है। तो 5 में से 4 राज्यों में जीत की शाम दिल्ली कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर से पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं के बीच दफ्तर पहुंचे। चारों ओर एक जैसी ही आवाज थी, बीजेपी, भारत और मोदी, और फिर स्वागत है, स्वागत है, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्साह का दिन है, उत्साह होना भी चाहिए, उत्सव का दिन है और ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रख। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ा बंदी में बात करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। बड़े संकल्पों के साथ, बड़े सपनों के साथ ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को पार करने के इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाना है। उधर यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद को तितांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा भी जताया है। ये प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके अलावा सबके प्रयास को आगे बढ़ाएंगे।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चार राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री के विकास और सुशासन को जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित होने वाली भाजपा की नई सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर दिल्ली में मुहर लगने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य नेता आज दिल्ली जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के बीच यूपी में भाजपा की नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इधर भाजपा के नेताओं को दिल्ली के इशारे का इंतजार है। दिल्ली से इशारा मिलते ही आज मुख्यमंत्री सहित कोर कमेटी के सभी सदस्य दिल्ली जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नामों पर भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से ही मुहर लगेगी। योगी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय भी दिल्ली में ही तय होना है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। जैसे ही दिल्ली से इशारा मिलता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए मंत्रिमंडल का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है शुभम कि आखिर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं उत्तर प्रदेश में, अहम सवाल, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो हार गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जो है जीत हासिल की, उसी के बाद एक ऐतिहासिक जीत कही जाएगी। उसी के बाद अब कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ अपने सीएम आवास पर बैठक की है। उसी के साथ कह सकते हैं उसने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ साथ कई मंत्री भी शामिल हैं। लगातार जो बैठकों का दौर है वो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, जब 5 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, तो बैठकों का दौर जो है लगातार शुरू हो चुका है। उसी के साथ कह सकते हैं कि अब साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो विधायक दल के जो चुनाव होगा उसमें पता चलेगा आखिरकार कौन मंत्री कहाँ बैठेगा और किसको जो विधायक है कि किस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। और बहुत ऐसे में शुभम, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो विधायकी जीते हैं, कौन कौन से ऐसे चेहरे जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में राजेश्वर सिंह ने अभिषेक मिश्रा को हराया है। अभिषेक मिश्रा बाकायदा कैबिनेट मंत्री रहे थे सपा में, उसके बाद कहा जा सकता है कि वो एक अफसर है, अफसर को एक मौका मिल सकता है कि शायद उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। लेकिन उसी के साथ दूसरी बार कौशल किशोर कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्री, उनकी पत्नी जो है जयदेवी जीती है। कहा जा सकता है राजधानी के कुछ विधायकों को हो सकता है बीजेपी जो है मौका दे दे के कैबिनेट में बैठने का। लेकिन उसी के साथ जो अब ये देखना होगा, जो विधायक पहले से, जो मंत्री पहले से अपनी सीट पर है, उनको किस तरीके से दिल्ली में जो है डाइवर्ट किया जाता है, किस तरीके से सीटें बांटी जाती है। अब ये देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर जब बैठक होगी प्रधानमंत्री के साथ, तो उसमें काफी सारी चीजों पर विचार होगा। देखिए, ये तो मंत्रिमंडल की बैठक की बातचीत हो गई है, देखिए वो तो होगा, और उसके बाद फिर तस्वीरें सामने आ जाएंगी, लिस्ट सामने आ जाएगी कि किन किन को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। लेकिन फिलहाल आप लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ में माहौल कैसा है? जी हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं अगर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ का माहौल कल से जैसे ही बीजेपी अपनी बढ़त की तरफ भाग रही थी, और बीजेपी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सामने आ रही थी, उसी जगह पे विपक्ष जो है जहां लगातार अपने सरकार बनाने के दावे कर रहा था, कल से ये खामोशी का मंजर जो है देखा गया है। लगातार अगर हम बात करते हैं तो खामोशी देखी गई, कहीं ना कहीं जो खामोशी का दौर है वो लगातार विपक्ष में हो चुका है, क्योंकि विपक्ष उम्मीद से ज्यादा उम्मीद कर बैठा था, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से लोगों को तोड़कर अपने साथ ला करके एक वोट बैंक साधने की कोशिश की थी कि, लेकिन विपक्ष का जो जातिगत समीकरण था वो धरा का धरा रह गया, साफ कहा जा सकता है, जिसमें साफ तरीके से कहा जाता है योगी पूरी तरीके से बुलडोजर बाबा कहा जा सकता है कि दिखाई दिए। साफ कहा सकता है कि जब वो जीत रहे थे उसी के बाद लगभग 2 बजे के आसपास जो है विधानसभा पे भी, जो विधानसभा मार्ग है वहां पर भी बुलडोजर देखा गया। कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के स्वागत में भी प्रदेश कार्यालय में लोग जो है बुलडोजर, जो बुलडोजर है उसके साथ होल्डिंग वगैरह लगा करके उनका एक जो अभिनंदन है वो कर रहे थे, लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। कहा जा सकता है कि लखनऊ में उत्सव का माहौल है, जैसा कि कल शाम से ही हमें देखने के लिए मिल रहा था। इसके अलावा शुभम, देखिए मैंने पहले भी आपसे पूछा है कि जब 2017 में बीजेपी सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में, तो 2 उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे दिए थे, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा मुखर है, दिनेश शर्मा उतने मुखर नहीं है, वो शांत रहते हैं और जब भी बोलते हैं तो बहुत टोल मोल के बोलते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव भी हार चुके हैं सराथू से, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार 1 डिप्टी सीएम होगा या 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे, क्योंकि 25 करोड़ की जनता, इतना बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा सूबा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं अब जो है जाहिर सी बात है, तो केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए हैं, तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें किस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि जब पहले उन एक, अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो वो मुखर शैली के हैं, लगातार वो अगर हम किसी भी बयानबाजी को लेते हैं लगातार वो सामने आते हैं, लगातार एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और कह सकते हैं कि पार्टी में भी एक अपनी साख बरकरार रखते हैं, और कहा जा सकता है हर जगह पर वो दिखाई। कल भी अगर जब जश्न मनाया जा रहा था मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, वो साफ देखेगा तस्वीरों में लगातार चेहरे पर मायूसी थी, खुशी थी कि पार्टी जीती है, लेकिन खुद के हारने की जो मायूसी है वो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आई थी। इसके अलावा शुभम, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि लिस्ट कब तक फाइनल हो जाएगी, क्या आज शाम के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी या फिर कल जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो सकता है? इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा है स्वतंत्र देव सिंह, क्या उसमें भी कुछ बदलाव, अगर बदलाव होना है तो कौन सा ऐसा नाम है जो सामने आ सकता है, जो रेस में सबसे पहले हो सकता है, जिस पर भाजपा एक बार फिर से विश्वास जता सकती है अगले 5 सालों के लिए? जी बिल्कुल, अब यह कहना होगा कि अब जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, और जाहिर सी बात है जो सरकार सामने आ रही है, तो आज जब बैठक होगी उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे, और लोगों को जो टीम है, टीम वर्क के जरिए जो है बातें की जाएंगी और उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं नए चेहरों में कहा जा सकता है कि जो मुलायम सिंह की बहू है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हुई थी और उन्होंने जीत दर्ज की है। कहा जा सकता है, कयास ये लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हो सकता है उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश जरूर की जाए। बहुत बहुत बड़ी बात होगी
कि समाजवादी पार्टी से लगातार वो रही और उस परिवार की वो बहू भी है और ऐसे में बीजेपी में शामिल हो गई, उसके बाद काफी ज्यादा लाइमलाइट में रही है, तो ये बड़ी खबर हो सकती है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करूंगी शुभम मैं कि जो अब 5 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां कितनी है, किस तरह का माहौल है। और जो देखिए, अगर हम देखें 2017 में 312 सीटें मिली थी, इस बार सीटें कम हुई है, इसका फायदा सपा को हुआ है, इसको लेकर क्या रणनीति हो सकती है, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे रहे, कौन कौन से जिले ऐसे रहे जहाँ पर भाजपा को नुकसान हुआ है, उसका फायदा सपा ने उठाया, इसको लेकर क्या रणनीति हो सकती है? जैसे कि हम साफ कह सकते हैं, आजादी के बाद राजधानी की एक ऐसी सीट थी जो अभी तक बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, लेकिन इस बार योगी की ऐसी रणनीति थी जिसके तहत कहा जा सकता है कि बीजेपी ने मोहल्लागंज सीट पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। कहा पाया था जब आजादी के बाद अभी तक उस सीट पर बीजेपी कब्जा नहीं कर पाई थी, इस बार जब कब्जा हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ विचार जरूर किए जाएंगे कि उस सीट को हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए। अगर हम कुछ अन्य सीटें हैं जिन पर अगर बात करते हैं तो उन पर भी बीजेपी पूरी तरीके से पूरा रोडमैप के जरिए काम करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बार जिस तरीके से बीजेपी की सीटें कम हुई है, बीजेपी इस बार पूरी तरीके से अपने कमर कसे हुए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार जो योजनाएं हैं उनका भी हो सकता है इस बार पिटारा खोलेंगे, लगातार जो इस बार बढ़त है वो देखी जाएगी हर एक मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल शुभम, इसके अलावा तैयारियां कैसी है लखनऊ में विधायकों के दिल्ली पहुंचने की, क्योंकि बस एक इशारे का इंतजार है और विधायक जो है पूरी तरह से तैयार बैठे, क्योंकि अब तक तो लिस्ट भी तय हो गई होगी, क्योंकि बीजेपी पहले से ही रणनीति बना के चलती है, उन्हें एंड मोमेंट तक रणनीति बनाना नहीं पसंद है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अगर हम कल मंच की बात करते हैं तो मंच पर संजय निषाद भी मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो उसी तरह अपर्णा यादव भी मौजूद थी, मंच पर मौजूदगी ही बताती है कि आखिरकार दिल्ली कौन कौन पहुंचेगा। जाहिर सी बात है जब विपक्ष के लोग निकल कर आए हैं और मंच पर लगातार मौजूद हैं तो उनके कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं, उनको एक मौका बीजेपी दे सकती है अपनी कैबिनेट में और दिल्ली तक हो सकता है कहा जाता है उनको बुलाया जा सकता है और उसमें तो उनके ऊपर एक 5 साल का दांव खेलेगी। जैसे कि इस बार बीजेपी इस तरीके का दांव नहीं खेलेगी जैसे केशव प्रसाद साहब कह रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो दांव खेला गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद बीजेपी की एक साथ खराब करने की कोशिश की थी और सपा में शामिल हो गए थे, उनका हक क्या हुआ वो जाहिर सी बात है। बिल्कुल, और इस बार बीजेपी जो है जो इन 5 सालों में गलतियां रही हैं उसे सुधारने की पुरजोर कोशिश यहां बीजेपी करती हुई नजर आएगी। शुभम फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो कई विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, कई बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि दिल्ली में जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली से ही बुलावा आएगा और बुलावे के लिए भी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2 डिप्टी CM होंगे या फिर इस बार एक ही डिप्टी CM होगा। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। यूपी चुनाव में बुरी तरह हारने पर बसपा प्रमुख मायावती ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव के नतीजे बसपा की उम्मीदों के उलट हैं, हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हमें इससे सीखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी पार्टी आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में वापस आने के बारे में देखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 2017 से पहले बीजेपी की यूपी में अच्छी हिस्सेदारी नहीं थी, इसी तरह आज कांग्रेस भी उसी दौर से गुजर रही है, यूपी चुनाव परिणाम हमारे लिए प्रयास जारी रखने का एक सबक है। दिल्ली नगर निगम चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित केंद्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इसे भाजपा को हार का डर करा दिया है। वहीं दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार के सामने घुटने टेकने का आरोप भी लगा दिया। CM ने सवाल किया कि क्या अब चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम करेगा और क्या मोदी जी अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ने चुनावों को टालने के आयोग के कदम को लोकतंत्र की हत्या बताया।
यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर शाहगंज सीट पर बीजेपी गठबंधन निषाद पार्टी के कब्जा करने पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का अनोखा जश्न देखने को मिला। वहीं बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। कल रात से लेकर सुबह तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जौनपुर में विजय जुलूस भी निकाला। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा सीट सपा के पाले में चली गई है। शिवपाल सिंह यादव ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के विवेक शाक्य को 9000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। सपा के गढ़ में भाजपा के लिए बड़ा झटका है। सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव को अब तक 15 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के विवेक शाक्य रहे, इन्हें अब तक 68,000 से ज्यादा वोट मिले। तीसरे नंबर बसपा के विजेंद्र प्रताप सिंह रहे और उन्हें इसी से ही संतोष करना पड़ा। बता दें कि गोरखपुर करहल के बाद हॉट सीट कही जाने वाली जसवंत नगर सीट पर इस पर भाजपा और सपा का जोरदार मुकाबला था। सातों चरण खत्म होते ही सभी की नजरें अपनी अपनी सीटों के नतीजों पर टिकी हुई थी। इस सीट पर सपा से शिवपाल सिंह यादव और भाजपा से विवेक शाक्य चुनावी मैदान में थे और शिवपाल यादव ने बाजी मार ली है। तो देश के सबसे बड़े सूबे में भले ही भाजपा ने भारी बहुमत से सरकार बना ली हो, लेकिन सदर सीट पर सपा का पलड़ा भारी रहा। सपा ने इटावा जिले की 3 में से 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जबकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने 2 और सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इटावा सदर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सरिता भदौरिया ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। सुबह गहमागहमी के बीच मतगणना कल शुरू हुई थी। जिले की 3 सीटों पर शुरुआती दौर में ही सपा ने बढ़त बना ली थी। वहीं मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। मैनपुरी सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह भदौरिया ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 99,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी राजकुमार यादव राजू को 92,000 से ज्यादा वोट मिले। इस तरह जयवीर सिंह ने 7,000 से ज्यादा वोटों से विजय प्राप्त की। सपा के राजू यादव मैनपुरी से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके थे, इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सूबे की हॉट सीट में शुमार रामपुर शहर सीट पर सपा सांसद आजम खां का जलवा बरकरार रहा। सीतापुर जेल में सलाखों के पीछे कैद रहकर भी आजम खां ने विधानसभा चुनाव में 55,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। वो रामपुर से 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत के साथ जीत हुई है। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने हुआ है और पार्टी लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बना रही है, ऐसा पहला मौका है। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ निराशा हाथ लगी। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। इसके बाद अब फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं लगातार उत्तराखंड में दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। ऊधम सिंह नगर में 70 विधानसभा खटीमा सीट से कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,000 से ज्यादा वोटों से जीत का परचम लहराकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कड़ी शिकस्त दी। कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों पर देर रात तक झूमते रहे और मतगणना स्थल से घर तक जमकर थिरके नारे लगाए। जहां महिला कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के साथ भुवन कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी भी शामिल रही। वहीं विजेता विधायक कापड़ी का जमकर स्वागत करते हुए पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया और होली से पहले ही होली का रंग गुलाल एक दूसरे पर बरसाकर जीत की होली खेली गई। वहीं भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी ने अपार सहयोग और आशीर्वाद मिलने पर खटीमा की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि जनता से जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे और जनता की समस्या का समाधान भी कापड़ी जी करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रवीश पटनागर ने जीत की खुशी में धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भुवन कापड़ी की जीत का श्रेय आम जनता को जाता है, क्योंकि गरीब जनता ने अपना आशीर्वाद देकर एक गरीब प्रत्याशी को जिताया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।